नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स और सेकेंड पेपर, इसका सिलेबस, इसका विश्लेषण करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा पाठ्यक्रम कितना है, बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड पेपर। तो इसका जो नाम है सेकेंड पेपर का, द्वितीय प्रश्न पत्र का, नेचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति व समस्याएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति है और उसकी क्या समस्याएं हैं, इसको चार यूनिट में, पूरे पाठ्यक्रम को चार यूनिट में विभाजित किया गया है। पहली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो प्राकृतिक संसाधन, भारत में प्रकृति द्वारा हमें क्या क्या प्रदान किया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। विशेषकर भूमि जल वन, इसका अध्ययन करेंगे। मानवीय संसाधनों का अध्ययन करेंगे, भारतीय जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या नीति का अध्ययन करेंगे और जनांकिकी लाभांश ये क्या है इसका अध्ययन करेंगे। नीति आयोग कब गठन हुआ, नीति आयोग के क्या कार्य हैं, इसका अध्ययन करेंगे। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया ये प्रोग्राम जो है, ये योजना कब लागू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। स्किल इंडिया, ये स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है, इसका ये कब शुरुआत की गई, इसका लक्ष्य क्या है, इसको जानेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसका अध्ययन करेंगे। इसी यूनिट में हम सेक्स रेशियो, इसका अध्ययन करेंगे और जनसंख्या घनत्व, इसको भी जानेंगे। पहली यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आगे दूसरी यूनिट है एग्रीकल्चर, कृषि, तो इसमें भारतीय कृषि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, कृषि की उत्पादकता, उत्पादन, इसका अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से क्या लाभ हुए, हरित क्रांति के इतिहास को समझेंगे, हरित क्रांति के क्या उद्देश्य थे, हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ, हरित क्रांति से क्या हानि हुई, इसका भी अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का अध्ययन करेंगे कि भारतीय कृषि क्यों पिछड़ी है, इसके पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसका अध्ययन करेंगे। कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक का क्या अर्थ है, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। कृषि शाख, कृषि शाख क्या है, कृषि शाख के स्रोत कौन कौन से हैं, कृषि शाख की क्या समस्याएं हैं, इसका अध्ययन करेंगे। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, भारतीय किसान अपना उत्पाद कहां बेच सकते हैं, क्या विपणन प्रक्रिया है, विपणन के विभिन्न अवसानों का अध्ययन करेंगे। भूमि सुधार का अध्ययन करेंगे, चकबंदी क्या है, हडबंदी, सीमाबंदी क्या है, इसका न्यूनतम जोत, सीमा नियम क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो इस यूनिट में भारतीय कृषि के व्यापक स्वरूप का अध्ययन और आलोचना करेंगे। यूनिट सी, तीसरी यूनिट, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, उद्योग, उद्योग व सेवा क्षेत्र। तो इस यूनिट में
हम जानेंगे भारतीय उद्योग, भारतीय उद्योगों की कौन कौन से प्रकार हैं, उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके क्या लाभ हैं, इनसे क्या इनके विकास, इनके और प्रगति में क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए, समस्याएं और समस्याएं का निवारण किस प्रकार से हो, सुझाव, इसका अध्ययन करेंगे। भारत में औद्योगिकरण की क्या गति है, इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय उद्योगों के विकास के इतिहास का अध्ययन करेंगे। औद्योगिकरण की गति को कैसे बढ़ाया जाए, इसका अध्ययन करेंगे। ये सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे। MRTP एक्ट, ये क्या है MRTP, फीरा क्या है, फीमा क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। MNC मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका क्या अर्थ है, मल्टीनेशनल कंपनियों से क्या लाभ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या हानि है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर आएंगे चौथी यूनिट में इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए पाठ्यक्रम में, इसलिए उत्तर प्रदेश की जन अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, इनके उत्तर प्रदेश की कृषि का अध्ययन करेंगे, उत्तर प्रदेश के उद्योगों का अध्ययन करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, बैंकिंग व्यवस्था का अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश की, कृषि साख की उसका अध्ययन करेंगे, मनरेगा का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव रहा है, मनरेगा से उत्तर प्रदेश के क्या लाभ उत्तर प्रदेश को हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे, पंचायती राज का भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो BA फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक्स का, ये चार यूनिट में विभाजित है पूरा पाठ्यक्रम, इन चार यूनिट को हमें पढ़ना है और सभी चारों यूनिट जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा जो परीक्षा का पूरा जो दायरा है वो इन्हीं चार यूनिटों में सिमट जाता है। धन्यवाद।